कार्तिक मास व्रत कथा महात्मय दसवां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर जी ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर जी ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलाय मान हो गया। शंकर सुवर्ण के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही, वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधिपूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया।